का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड नाम सस्पेक्ट है कि फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और जब थोड़ा दूर के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचते हैं यानी कि लंबी अवधि में निवेश के लिए सोचते हैं तो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हमें काफी जरूरी नजर आता है क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाले ये एक ऐसा इकलौता स्टॉक नहीं है लेकिन कमाल का स्टॉक है। पेनी स्टॉक में बात करूं, देखिए पेनी स्टॉक में इसलिए ध्यान मैं देता हूं ज्यादातर क्योंकि उनके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दो चार पेनी स्टॉक्स में एक भी चल गया तो आपके बाकी के जो दो चार दो तीन पेनी स्टॉक्स हैं उससे ज्यादा उससे कई गुना ज्यादा आपको कमाई इस तरह के स्टॉक्स में हो सकती है। इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है, समझिए इसके काम को समझिए। सबसे पहले जो कंपनी जिसमें बताया कि फाइनेंस के सेक्टर में आपको काम करते हुए नजर आती है और ये बेसिकली और जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को और कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो मर्चेंट बैंकर होते हैं उनके तौर पे कंपनी काम करते हुए नजर आती है और साथ में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डीलिंग तो करती है। ये आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएगी यानी कि फाइनेंस सेक्टर में ये सिर्फ एक ही काम नहीं करती है। फाइनेंस सेक्टर में देखिए सिर्फ लोन बांटना काम नहीं होता है, लोन के अलावा जिसमें बताया कि मर्चेंट बैंकर के तौर पर काम करती है, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सेक्टर को जो मैनेजमेंट और जो उनकी डीलिंग्स होती है उन डीलिंग्स को पूरा कराती है, कई प्रकार के अरेंजमेंट कराती है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करती ही है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है और इतने बड़े पैमाने पर फाइनेंस सेक्टर में कामकाज करते हुए नजर आती है। काम काफी बढ़िया और काम के बेसिस पर आगे इसमें तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे और इसी की बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको ज्यादातर यहाँ पे ग्रीन साइड में देखने को मिलेगा। जो शेयर प्राइस है उसके बगल में रेट बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अब चलिए समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल, बाकी फंडामेंटल कैसा, सिर्फ काम के बेसिस पर तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बाकी फंडामेंटल को समझने के लिए 155 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यहाँ पे देखिए छोटी कंपनी है और स्टॉक का पी 19 के आसपास है। वैल्यूएशन वाइज जब शेयर प्राइस देखेंगे तो आपको ठीक नजर आएगा लेकिन हम तो चार्ट पे लेवल देख के एंट्री और एग्जिट लेंगे कहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है ये बढ़िया बात है लेकिन कुछ खास डिफरेंस नहीं है। शेयर प्राइस और जब ज्यादा हो जाएगा बुक वैल्यू से तो तब ज्यादा मजा आएगा, शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज्यादा ही होना चाहिए। दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है यह देखेंगे तो ये माइनस में, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा प्लस में होना चाहिए तब जाके आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। अब क्या होगा कि माइनस में है तो यदि स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करते रह गया साल भर तक तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा और अभी भी क्या हो रहा है चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस आपको कंसोलिडेशन रेंज में चलते हुए दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में थी, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा होता ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस से में नहीं होता प्लस में होता। अभी हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा और यहाँ पर हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया और एक साल के चार्ट पर जिससे मैंने आपको बताया कि स्टॉक का प्राइस सभी आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा तो यहाँ पर देखेंगे 2.80 रुपये से लेकर 3.20 रुपये इसी के बीच में स्टॉक का प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। एक ही रेंज में स्टॉक का प्राइस पिछले कई दिनों से, पिछले साल के दिसंबर मंथ से ही आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है और जब इससे बाहर निकलता है तो 90% चांस होते हैं कि ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट होता है ना कि ब्रेकडाउन होता है। मतलब ये जो प्राइस इस रेंज में चल रहा है जब इसे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा और ऊपर कितना ऊपर जाएगा यदि इसके लिए मैं यहाँ पर 10 साल का चार्ट ओपन करूँ, 10 साल का चार्ट पर देखेंगे तो वैसे तो इसका प्राइस काफी ऊपर गया है, तकरीबन 100 रुपये के भी करीब कभी इसका प्राइस गया था 2015 में, लेकिन इतना ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कम से कम ये जो लेवल है 20 रुपये के लेवल, यहाँ तक आपको यदि अपने हार्ड रेजिस्टेंस को इजिली ब्रेक कर जाता है तो आपको अब जाते हुए दिखे क्योंकि अब समय आ गया है इसको एक लंबा ब्रेकआउट करने का और उस लंबे ब्रेकआउट की तैयारी में ये स्टॉक आपको है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3.20 रुपये से ऊपर निकलेगा इसका प्राइस तो सीधे आपको 20 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, हाँ लेकिन एक एक लेवल पार करते हुए जाएगा। जैसे एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है 5 रुपये का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, फिर 10 रुपये का जो लेवल है इसके लिए साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, तो पहले 5 रुपये के लेवल को पार करेगा फिर 10 रुपये तक जाएगा और ऐसे कर करके 20 रुपये तक इजिली आपको जाते हुए ये स्टॉक दिख सकता है आने वाले में कुछ समय, कुछ सालों तक ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज इसमें ध्यान देना होगा कि बाकी इसको प्राइस को ऊपर जाने के लिए और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे मैं फंडामेंटल के बारे में कुछ चीजें बताई हैं और फंडामेंटल्स को आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट समय दर समय मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल देखें तो कंपनी का कह सकते हैं कि कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, कंपनी का जो क्वार्टर्स के नंबर है हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़े हैं लेकिन अभी ज्यादा थोड़ा सा एक प्रकार से सुस्त सा हो गया, कंपनी के सेल्स कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, कह सकते हैं कि रेंज में ही चल रहा है बस 2.5 करोड़, 2 करोड़ 70 लाख, 90 लाख, फिर 2 करोड़ 60 लाख ऐसे ही चल, जब तक ये 3 करोड़ से प्लस नहीं जाएगा तब तक हम लोग इसको अच्छा सेल्स नहीं मानेंगे। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यह भी एक रेंज में ही चल रहा है, 2 करोड़ 32 लाख, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 22 लाख ऐसे बस चल रहा है, यह भी 3 करोड़ प्लस होगा तब जाके हमें मजा आएगा। तो यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे ये 3 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। नेट प्रॉफिट जो टैक्स ऑफ देने के बाद बचता है कंपनी के पास, देखिए ये 3 करोड़ के आसपास
पहुंच रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होने के, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। जब बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो डेट होता है यानी कि जो कंपनी के पास कर्जा होता है वो कर्जा पिछले यदि देखें तो कुछ क्वार्टर, हालांकि ये सितंबर का डाटा है अभी जो 24 का डाटा नहीं आया, इसमें हो सकता है कंपनी का कर्जा कम हुआ हो क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं, जैसे कर्जा कम हुआ होगा आप मान के चलिए कर्जा कम ही हुआ होगा, लेकिन पिछले सितंबर का ही डाटा देखें तो यहाँ पे डेप्ट बढ़ते हुए दिखा है, लेकिन उसके पहले देखेंगे तो आपको डेप्ट ओवरऑल जो डेप्ट यहाँ पे बढ़ा ही है ये एक निगेटिव साइन है। और कंपनी का जो रिजर्व पैसा होता है, रिजर्व पैसा देखेंगे तो ये यह भी बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस है कंपनी का, कह सकते हैं जितना रिजर्व पैसा है कर्जा उससे कम ही है, तो ओवरऑल यह भी ठीक माना जाएगा। ओवरऑल यदि बात करें फंडामेंटल का तो अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से हमें फंडामेंटल मजबूत होते हुए नजर आ रहा है, और ऐसे ही मजबूत होते रहा तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो आरओई है, वह प्लस में आ जाएगा, और एक बार आरओई प्लस में आने की जरूरत है उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा। बाकी ओवरऑल पीएमसी फिनकॉर्प आपके पास स्टॉक है तो आपको इसमें समय देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, नहीं है तो एक अच्छे लेवल देख के जैसे 3 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकलते तो वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी कीजिएगा अपने एनालिसिस की बदौलत कीजिएगा, मन में कोई सवालों का कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।